तो अब प्रश्न नंबर 3 का चौथा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा, ठीक ना, चौथा भाग है ये। इसमें लिखा है ए थ्री बराबर 15 और S10 बराबर 125, ठीक ना। और इसमें डी और A10 निकालना है, डी एवं A10 ये ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं। देखिए इसमें A3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीसरा पद है, ठीक ना। तो इसमें n बराबर 3 है और A3 को लिखेंगे तो n-वां पद कैसे लिखते हैं, An बराबर A प्लस n माइनस 1D, ठीक ना। तो इसमें A3 दिया हुआ है तो लिखेंगे A3 बराबर 15 और A3 का n-वां पद कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसका ए प्लस एन माइनस 1D बराबर 15। तो ए प्लस एन का मान कितना है, 3, 3 माइनस 1 और D बराबर 15। तो ये हो गया ए प्लस 2D बराबर 15। तो समीकरण 1 डाल लेते हैं इसको। इसी प्रकार 10 पदों का योग 125 दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें, देखिए यशन है ना, प्रथम यन पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, यशन बराबर यन बटे दो 2A प्लस यन माइनस 1D, ठीक ना। तो इसमें S10 दिया हुआ है, लिखा है S10 बराबर 125। तो यहाँ मान रख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे n बटे दो 2A प्लस n माइनस 1D बराबर 125। n कितना है, देखिए 10 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 रख लेते हैं n का मान, 2A प्लस 10 माइनस 1 D, ये हो गया 125। अब इसको काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10, और इस 5 को नीचे पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो ये गया 2A प्लस 10 में से 1 गया 9D बराबर 125 और बटे 5। इस 5 को यहाँ पक्षांतर कर दिए हैं, 5 1 कम 5 और 25 बार में ये कट जाएगा। तो ये आया 2A प्लस 9D बराबर 25। तो समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। तो समीकरण 1 में ये रहा और समीकरण 2 रहा, ठीक ना। इनको एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए प्लस 2D बराबर 15 और यहाँ लिखा है 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक ना। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे और ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए विलोपन विधि के लिए देखिए ए का गुणांक यहाँ 2 है और ए का गुणांक यहाँ 1 है, तो इनके गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 है तो इस वाले समीकरण पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 2 गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 गुणा प्रत्येक पद में गुणा हो जाता है। तो यहाँ करेंगे तो आएगा 2A प्लस 2 दुनी 4, 15 दुनी 23, ठीक ना। इसी प्रकार ये लिख लेते हैं इसको, 2A प्लस 9D बराबर 25, ठीक ना। तो अब देखिए इनके गुणांक बराबर हो गए, तीसरा और ये चौथा समीकरण लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोनों गुणांक बराबर हो गए तो इसको घटा देंगे, ठीक ना। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, तो लिखते हैं घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं पहले। तो इसका चिन्ह बदल दिया, देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, 2A में से 2A कैंसिल हो गया, 4 में से 9 गया माइनस 5D बराबर 30 में से 25 गया 5। तो इसका D का मान कितना आ गया, 5 बटे माइनस 5, माइनस 5 नीचे पक्षांतर हो गया, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। इस प्रकार D का मान -1 प्राप्त हुआ। इस D के -1 को समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान ज्ञात हो जाएगा, डी बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रख लेंगे तो देखिए ए प्लस 2D है,
ठीक ना, 2d है तो d का स्थान पर -1 रख लेते हैं, बराबर 15, तो ये हो गया a, 2 एक कम 2, तो -2 बराबर 15, a बराबर 15, और -2 को दाई तरफ पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो a बराबर 17, ठीक ना। तो ये प्रथम पद 17 आ गया, सार्वांतर -1 है, ठीक ना। तो पहले सार्वांतर ज्ञात करना था तो -1 आ गया। अब ये दसवां पद ज्ञात करना है तो दसवां पद कैसे लिखेंगे, देखिए ए पहले यनवा पद लिखे लिख लेते हैं, ए प्लस एन -1d होता है, ठीक ना। अब हमको दसवां चाहिए, मतलब एन का मान 10 है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए 10 बराबर ए प्लस 10 -1d, तो हो जाएगा ए प्लस 9d, ठीक ना। अब इसमें प्रथम पद और सार्वांतर का मान ज्ञात कर लेंगे, रख देंगे इसमें, तो ए 10 निकल जाएगा, तो ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे ए 10 बराबर प्रथम पद कितना है 17 प्लस 9 गुणे सार्वांतर -1 है, तो ये लिख लिया 9, 9 एक 17 प्लस 9 एक कम 9, तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको घटाएंगे 17 में 9 हो गया तो 8, ठीक ना। तो इस प्रकार सार्वांतर का मान आ गया और दसवां पद 8 आ गया, तो ये प्रश्न नंबर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 का पांचवा भाग देखते हैं। पांचवा में देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बराबर 5 और यस 9 बराबर 75 ये दिया हुआ है, तो इसमें ए और ए 9 का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इनका मान ज्ञात कर लेंगे, पहले प्रथम पद ज्ञात है और फिर नौवां पद ज्ञात करना है, इसमें सार्वांतर 5 और 9 पदों का योग 75 दिया हुआ है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, डी बराबर 5 तो दिया ही हुआ है, ये यस 9 बराबर 75, और एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन -1d बराबर 75, ठीक ना। और एन का मान 9 रख देंगे और d का मान 5 रख देंगे, तो ये लेगा 9 बटे 2 2a प्लस एन, ये 9 -1 और सार्वांतर 5 बराबर 75, ये हो गया 9 बटे 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में से एक गया 8 गुणे 5 बराबर 75। देखिए 9 बटे 2 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर 75। अब इन दोनों पदों में दो दो उभयनिष्ठ है, दो दो बाहर निकाल लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लिखते हैं 9 बटे 2 और इसमें से दो कॉमन ले रहे हैं, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ बचा a और यहाँ पे बचा 20, ठीक ना। 20 दूनी 40 होता है, तो 20 बच गया, ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया। अब इनका 9 का गुणा दोनों पदों में कर देंगे तो कोष्टक खुल जाएगा, तो ये हो गया 9a प्लस 180 बराबर 75, तो 9a बराबर 75 -180, 9a बराबर 105, ठीक ना, 180 में 75 गया तो 105, और a बराबर -105 बटे 9, ठीक ना। छोटे से बड़ा घटा था इसलिए माइनस में आया था, ये 3 के पहुँचने से कट जा रहा है, 3 त्रिकाई 9 3 5 15, ए बराबर -35 बटे 3। इस प्रकार प्रथम पद का मान ज्ञात हो गया। अब नौवां पद ज्ञात करना है तो पहले हम एनवा पद का सूत्र लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन -1d, ठीक ना, ये होता है। अब हमको नौवां पद ज्ञात करना है तो एन का मान 9 रख दे रहे हैं, और प्रथम पद कितना है, देखिए -35 बटे 3 आया है, बटे 3 प्लस या 9 में से एक घटाएंगे, और डी का मान 5 दिया हुआ है, ये हो गया -35 बटे 3, 9 में से एक गया 8 गुणे 5
माइनस 35/3, 8 × 5 = 40, ठीक ना। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे तो तिरछा गुणा कर लेंगे तो 4 × 3 = 12, 120/3, ठीक ना। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 में 35 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 120 में 35 घटाए 85 आ गया, ठीक ना। तो 85/3 तो ये नौवां पद ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 6 छठवां भाग देखते हैं इसका। देखिए छठवां भाग में क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 और d बराबर 8, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है और n पदों का योग भी 90 दिया हुआ है। हमको n और an ज्ञात करना है, n एवं an ये ज्ञात करना है, ठीक ना। तो sn 90, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखिए sn लिख लेते हैं यहाँ पर, sn मतलब n पदों का योग बराबर 90, और n पदों का योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d बराबर 90, ठीक ना। तो ये लिख लेते हैं n/2, a का मान 2 रख लेते हैं, ठीक ना, और d का भी मान दिया है 8 रख लेते हैं, बराबर 90। ये हो गया n/2, 2 × 4 प्लस, इसका गुणा कोष्टक खोल लेंगे तो गुणा कर लेंगे इन दोनों पदों में, तो 8n-8 बराबर 90, ठीक ना। इसको हल कर लेते हैं, n/2 ये हो गया 8n और 4 में से 8 गया तो -4 बराबर 90। इनमें देखिए दो दो उभयनिष्ठ है तो दो दो बाहर निकल जाएगा, तो जाएगा n/2 × 2, तो यहाँ बचा 4n और यहाँ बचा 2 बराबर 90। अब इस n का गुणा दोनों पदों में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n² - 2n बराबर 90, ठीक ना। इन दो n का गुणा इन दोनों पदों में किए हैं और 90 को अब बाई तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 4n² - 2n और इसको पक्षांतर करेंगे तो -90 बराबर 0 हो गया। इसमें देखिए दो 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 उभयनिष्ठ है भी, तो दो दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2n² - n - 45, ठीक ना। मतलब दो दो से भाग कर दिए हैं इसको, तो दो नीचे जाएगा तो 0/2 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2n² - n - 45 बराबर 0। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको हल करेंगे तो n का मान ज्ञात हो जाएगा, तो इसको हल देखिए कैसे करेंगे, 2n² - n - 45 बराबर 0। देखिए 45 × 90, ठीक ना। तो इसको हम ले सकते हैं 9 × 10, तो अगर 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 9 - 10 तो बराबर -1 आ गया, ठीक ना। छोटे से बड़ी संख्या घटाए तो -1 आ गया, तो ये -1 हमको चाहिए था, ठीक ना। तो लिखते हैं 2n² - 9n - 10n और -45 = 0। अब इन दोनों कोष्टक देखिए, इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, वो उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो इनमें केवल n ही उभयनिष्ठ है केवल, ठीक ना। तो n ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2n प्लस और यहाँ बचा केवल 9। अब इनमें देखिए क्या उभयनिष्ठ है, तो 10 को ले सकते हैं 5 × 2 और इसको ले सकते हैं 5 × 9 = 45। इस प्रकार दोनों पदों में 5 तो उभयनिष्ठ दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे -5 और यहाँ क्या बच गया, अब 2n, और चूंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और 5 कॉमन निकल गया है तो यहाँ बचेगा 9 बराबर 0। देखिए दोनों पदों का जो आया सेम आया है उसको एक कोष्टक में लिख लेते हैं, 2n + 9 और n-5 यहाँ लिख लेते हैं बराबर
जीरो, तो एन का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे यदि 2n प्लस 1 प्लस 9 बराबर 0 या n माइनस 5 बराबर 0, तो इससे n का मान आ जाएगा 2n बराबर माइनस 9 और n बराबर माइनस 9 बटे 2 और यहाँ से आ जाएगा n बराबर 5। देखिए चूंकि n का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक में नहीं होता इसलिए इसका n का मान ये मान नहीं लेंगे, तो n का मान n बराबर 5 लेंगे। लिखेंगे चूंकि n का मान ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होता अतः n बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक ना, अब n का मान आ गया, हमको nवां पद चाहिए, तो n का मतलब 5, मतलब हमको पांचवां पद चाहिए। तो हम पहले nवां पद का फॉर्मूला लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, और ये क्या चाहिए हमको, n का मान क्या आया है 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, बराबर a प्लस 5 माइनस 1 ये d, ठीक ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। अब इसमें a और d का मान ज्ञात रख लेते हैं, तो a का मान 2 है प्लस, और d का मान कितना है 8, तो हो गया 8 चौक 32, 2 34, तो इस प्रकार पांचवा पद 34 आ गया और पदों की संख्या 5 आ गया। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, अब 7वां भाग क्या है। देखिए 7वां भाग में a का मान 8 दिया हुआ है और an का मान 62 दिया हुआ है और sn का मान 210 दिया हुआ है, ठीक ना। प्रथम पद 8 और n पदों nवां पद 62 और n पदों का योगफल 210 दिया हुआ है। इसमें n और d का मान ज्ञात करना है, n एवं d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये a प्रथम पद दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है, देखिए क्या होता है an बराबर 62 और nवां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 62। a का मान 8 रख लेते हैं प्लस n माइनस 1 d बराबर 62, तो जगह n माइनस 1 d बराबर 62 माइनस 8, ठीक ना, 8 को पक्षांतर कर दिए हैं, तो हो गया 2 6 54 आ गया, तो n माइनस 1 d का मान 54, समीकरण 1 हो गया। अब हमको sn वाला पद दिया हुआ है, लिख लेते हैं sn बराबर 210 और n पदों का योग का सूत्र होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 210, तो इसमें लिखेंगे n बटे 2 और 2 और a का मान 8 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1d बराबर 210, ठीक ना। अब देखिए n माइनस 1d का मान 54 दिया हुआ है, तो यहाँ 54 रख लेंगे, n बटे 2 ये 16, ठीक ना, 8 दुनी 16 और इसका मान 54, यहाँ 54 रख लिए, बराबर 210, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से इसका मान उठा के रखे हैं इसलिए लिख लिया समीकरण 1 से। अब n बटे 2 इसको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 6 1 7 बराबर 210, 2 से कट जाएगा ये 35 बार में, ठीक ना। अब इस 35 को नीचे पक्षांतर कर देंगे, तो n बराबर 210 बटे 35, तो किसके पारस काट लें, इसको 7 5 35 7 त्रिक 21 और 0, ये हो गया 5 एकम 5 5 छक्के 30, तो इसका मतलब n बराबर 6 प्राप्त हुआ, तो n तो ये आ गया। अब सार्वंतर चाहिए, तो इसी n का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो d का भी मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाला समीकरण लिख लेते हैं पहले,
देखिए n माइनस वन डी बराबर 54 दिया हुआ है, तो n का मान 6 रख लेते हैं, 6 माइनस ए डी बराबर 54, 6 में गया 5 डी बराबर 54, तो d बराबर 54/5। तो देखिए सार्वंतर ज्ञात हो गया और n का मान 6 ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं इसमें, तो प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, ए एन बराबर 4 डी बराबर 2 और यस एन बराबर माइनस 114 दिया हुआ है, ठीक ना। तो आठवां में दिया है ए एन बराबर 4 डी बराबर 2 और यस एन बराबर माइनस 14, इसमें एन और ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, एन और ए का मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये रहा एनवा पद, ए एन बराबर 4, तो लिखेंगे एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 4। अब डी का मान यहाँ 2 रख लेंगे, तो जगह ए प्लस एन माइनस वन और डी का मान 2 बराबर 4, 2 का कोष्ठक में गुणा कर लेंगे, ए प्लस इसका गुणा इसमें तो 2n और इसका गुणा इसमें तो माइनस 2 बराबर 4, ठीक ना। तो इस पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n बराबर 6 और a का मान ज्ञात कर लेंगे 6 माइनस 2n, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब देखिए एस एन का फॉर्म ये दिया हुआ है, लिखेंगे प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन डी बराबर माइनस 14, ठीक ना। तो लिख लेते हैं इसमें एन बटे 2 2 ए प्लस, अब देखिए एन माइनस वन डी, तो डी का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ रख लेते हैं इसमें भी एन माइनस वन और गुणे 2 बराबर माइनस 14, जाएगा एन बटे 2 2 ए प्लस, इस 2 गुणा कर लेंगे अंदर, तो जाएगा 2 एन माइनस 2 बराबर माइनस 14, एन बटे 2 ये हो गया 2 ए प्लस, देखिए यहाँ a का मान रख लेते हैं इसमें ना, तो यहाँ रख लेते हैं 6 माइनस 2 एन प्लस 2n माइनस 2 बराबर माइनस 14। अब कोष्टक खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 2 दूनी 4 प्लस 2n और माइनस 2 बराबर माइनस 14, n बटे 2, तो देखिए इस 12 में 2 गया 10 और इसको हल करेंगे तो माइनस 2n बराबर माइनस 14, इसमें देखिए 2-2 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया 5 माइनस n बराबर माइनस 14, 2-2 कैंसिल। अब इस n का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14, ठीक ना, और एन स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे और 5n को पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ, तो ये जाएगा इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस 5n और वो माइनस 14 उधर ही है बराबर 0। तो ये आ गया द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, इसको हल करेंगे तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। इसको देखिए 14 को ले सकते हैं 7 × 14, ठीक ना, मतलब 7 में 2 गया तो 5 आ जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 7 प्लस 2 बराबर माइनस 5, तो यहाँ लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, तो ये हो गया एन, एन इसमें उभयनिष्ठ है, एन माइनस 7 प्लस और इसमें 2-2 कॉमन है, तो जगह एन माइनस 7 बराबर
जीरो, तो लिखेंगे एन माइनस सेवन बराबर, ये एन माइनस सेवन और एन प्लस टू बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा। इसके बाद लिख लेते हैं, यदि एन माइनस सेवन बराबर जीरो या एन प्लस टू बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा एन बराबर सात या एन बराबर माइनस दो। तो देखिए एन का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, तो एन का मान सात प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये लिखेंगे जो संभव नहीं है, ठीक ना। अतः एन बराबर सात, एन का मान ऋणात्मक में नहीं होता इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो एन बराबर सात हो गया। अब लिखेंगे एन का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए रहा समीकरण ए, इसमें रख देते हैं ए बराबर छः माइनस दो गुणे एन का मान सात, तो हो गया छः माइनस चौदह। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में, और घटाएंगे तो जाएगा आठ। इस प्रकार एन का मान सात और ए का मान माइनस एट आ गया है। नौवां देखिए, नौवे में दिया है ए बराबर तीन, एन बराबर आठ और एस बराबर 192। तो हमको डी का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। ए बराबर तीन, एन बराबर आठ और एस बराबर 192। देखिए ए का मान दिया है, एन का मान दिया है, इसको ले लेते हैं पहले। तो योगफल दिया है 192, तो हम योगफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिखेंगे एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन डी बराबर 192। अब इसमें मान रख देते हैं, जिसका इसका मान दिया उसका मान रख लेते हैं। तो एन का मान 8 दिया हुआ है तो 8 रख लेते हैं, बटे 2, 2 गुणे a का मान 3 दिया हुआ है और यहाँ 8 रख लेते हैं, तो इसमें d का मान ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया 2 एकम 2 चौके 8, ये हो गया 4, तीन दूनी छः, आठ में एक गया सात डी बराबर 192। चार को चाहे इसमें गुणा कर लें, चाहे तो चार को पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर कर लेते हैं तो छः प्लस सेवन डी बराबर 192 बटे चार, तो हो गया चार एकम चार चौक सोलह, चार अठे बत्तीस, ये हो गया सिक्स प्लस सेवन डी बराबर 48। छः को पक्षांतर कर देंगे तो सात डी बराबर 48 माइनस छः, तो हो गया सात डी बराबर, इसको 48 में छः गया तो 42, तो डी बराबर 42 बटे सात, तो सात एक कम सात छंग 42। इस प्रकार प्रश्न सार्वंतर छः आ गया। अब इसमें दसवां भाग भी यहीं देख लेते हैं, तो दसवां भाग में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें लिया है L बराबर 28 और S बराबर 144, कुल n पद है मतलब n बराबर 9, और इसमें A का मान ज्ञात करना है। तो L बराबर 28, S बराबर 144, n बराबर 9, देखिए कुल पद 9 दिया है मतलब n बराबर 9 है और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एल, ठीक है, ये एल क्या होता है अंतिम पद, ठीक ना, अंतिम पद है, ठीक ना, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म, ठीक ना, और यही इसी को एन भी बोलते हैं, ये एनवा पद भी है ये चीज़। और इसके लिए अगर लास्ट पद या एल दिया हो तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये दिया है 144 बराबर एन कितना दिया है 9 बटे 2 और ए प्लस अंतिम पद 28, ठीक ना, 9 बटे 2 किधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 बटे 9 हो जाएगा, तो 144 गुणे 2 बटे 9 बराबर ए प्लस 28,
ये कट जाएगा 9 के पौना से 16 बार में, ठीक ना, और 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28। तो ए का मान आ गया 32 माइनस 28, ये हो गया ए का मान 4 प्राप्त हो गया, ठीक ना। इस प्रकार 3 के दसों भाग खत्म हो गए। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एक ईपी दिया है, बोलता है कितने पद लेने चाहिए। तो हम पहले ईपी लिख लेते हैं यहाँ पर, 9, 17, 25, ठीक ना, ये ईपी दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद लिख लेते हैं पहले, प्रथम पद ए बराबर 9, ठीक ना, a1 a2 a3। तो सार्वंतर हो जाएगा डी बराबर a2 माइनस a1। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9, तो इसको घटाएंगे तो जाएगा 8। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिए। अब होता है 636, ठीक ना, कितने चाहिए। माना एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग 636 है, ठीक ना। तो योगफल का सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर, यस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक ना। तो योगफल कितना है 636, यहाँ लिख लेंगे 636 बराबर एन बटे 2 2 गुणे ए का मान 9 है प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 8। तो ये हो जाएगा 636 बराबर एन बटे 2, ये हो गया 9 दुनी 18, और इसका गुणा कर लेंगे, 8 का गुणा दोनों पदों में करेंगे तो जाएगा 8n माइनस 8। तो हो गया 636 बराबर एन बटे 2 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n, ठीक ना, 18 में 8 गया 10। अब इनमें देखिए 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर इन दोनों पदों में, तो 2 बार निकल जाएगा, तो यहाँ 2 5 10 और 2 4 8, तो ये हो गया 636, ये कैंसिल हो गया। अब एन का पद, एन का गुणा दोनों पदों में कर देंगे तो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, इसका गुणा इसमें किए हैं और इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, 5n, और 636 को पक्षांतर कर लेंगे तो आएगा -636, यहाँ बचेगा 0। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3636 बराबर 0। क्या करेंगे, पहले 636 में 4 गुणा कर लेंगे, तो 636 गुणे ये 4। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए तो ये जाएगा 636 में पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 6 2 1 2 2 8 16, फिर 2 चलाएगा 2 1 2 2 5 10 2 9 18, फिर 3 चला जाएगा 3 5 15 3 3 9, और ये 4 है तो इसका कुल गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3, और ये 4 का यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2, और ये 53 है, ठीक ना। तो इनका गुणनखंड कर लें 53 है, और इसका कर लेंगे 2 × 2 = 4 4 × 8 8 × 16 16 × 3 = 48, तो हो गया 48 × 53, ठीक ना। अगर 53 में 48 को घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53 को कर ले पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। गुणनखंड कर लिए, इसको हटा देते हैं, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है, इसमें केवल n उभयनिष्ठ है, तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस यहाँ पर केवल 53 बचेगा
माइनस का 48 को ले सकते हैं 12 गुणे 4, और इसको ले सकते हैं 12 गुणे 53, ठीक ना। तो इसमें 12 12 उभयनिष्ठ हो गया, ठीक ना। देखिए 12 और 53 गुणा करेंगे तो 636 आ जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों 12 12 उभयनिष्ठ है, तो बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 4n, और बाहर माइनस ले लिया है तो यहाँ प्लस 5 बचेगा, प्लस प्लस 53 बराबर 0। अब देखेंगे n का मान ज्ञात कर लेंगे, यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0, तो इससे n का मान आ जाएगा 4n बराबर माइनस 53। तो n बराबर माइनस 53 बटे 4 या n बराबर 12। तो देखिए पदों की संख्या भिन्नात्मक या ऋणात्मक में नहीं होती, इसलिए इसका मान इसको नहीं लेंगे। तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, अतः n बराबर 12, ठीक ना। तो मतलब अगर इस एपी का हम 12 पदों का योग करेंगे तो 636 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आंसर, कुल पदों की संख्या 12 हो गई। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, मतलब प्रथम पद मतलब ए बराबर 5, और अंतिम पद मतलब एल बराबर 45, और योग दिया है यस बराबर 400। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यन ज्ञात करना है, और सार्वान्तर ज्ञात करना है, ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक ना। पदों की संख्या यन और सार्वान्तर ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें योगफल का सूत्र क्या होता है, ये लिखेंगे यसन बराबर यन बटे 2 ए प्लस एल, ये सूत्र होता है। अब देखिए योगफल कितना दिया है 400 बराबर, ये हो गया n बटे 2, और प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, तो ये हो गया 400 बराबर n बटे 2, 45 प्लस 5 50, ये हो गया 2 से कट गया तो 25। तो n का मान कितना आ गया 400 बटे 25। तो इसको काट लेते हैं, देखिए 5 5 25, 5 8 40, फिर एक कट जाएगा 5 से, 5 1 5, ये 16 बार में, तो n का मान 16 प्राप्त हो गया। अब हमको d ज्ञात करना है, तो देखिए ये l है, ठीक ना। इस l को n भी लिखते हैं, तो ये nवां पद है या अंतिम पद है, ठीक ना, या l बराबर 45 लिखते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया फॉर्मूला क्या होता है n का, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 45। तो a का मान कितना है 5, और n का मान कितना आया है 16 माइनस 1, और सार्वान्तर ज्ञात कर लेंगे बराबर 45। इस 5 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए 16 में 1 गया 15, और 45 इसको 5 को पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस 5, तो ये हो गया d बराबर 45 में 5 गया 40, तो d बराबर 40 बटे 15। तो इसको काट लेंगे 5 के पौना से, 5 3 15, 5 8 40, तो d का मान आ गया 8 बटे 3। तो पदों की संख्या 16 और सार्वान्तर 8 बटे 3 प्राप्त हुआ, अतः पदों की संख्या बराबर 16 और सार्व अंतर d बराबर 8 बटे 3 हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 6 में लिखा है, किसी एपी के प्रथम पद मतलब a बराबर 17 दिया है, और अंतिम पद l बराबर 350 है। यदि सार्वान्तर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, तो n का मान ज्ञात करना है और इनका योग ज्ञात करना है, इसका मतलब sn ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखते हैं इसको, देखिए a और d दिया हुआ है, इसका इसको देख लेते हैं, l बराबर 350, ठीक ना। इस l को n भी बोलते हैं, ठीक ना, ये nवां पद है,
350। और इसका सूत्र क्या होता है n का, a प्लस n माइनस वन डी बराबर 350। a का मान 17 प्लस n माइनस वन और d का मान 9 बराबर 350। तो 17 को पक्षांतर कर देते हैं तो n माइनस वन गुणे 9 बराबर 350 माइनस 17, तो हो जाएगा 350 में 17 घटा लेते हैं 350 माइनस 17 तो ये 333, ठीक ना। और ये गुड़े, ये 9 गुड़े में है तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक ना। तो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 और 6 बगल में गया तो 63 हो गया, तो 9 सते 63, तो n का मान कितना आ गया, ये माइनस वन है तो ऐसा लिख लेते हैं 37, और n का मान 37 प्लस 1 बराबर 38, तो n का मान 38 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब n का मान आ गया तो यस 38, ठीक ना। 38 पदों का योग ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए n का सूत्र लिख लेते हैं पहले, n बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सूत्र होता है, 38 है, 38 रख लेते हैं, यस 38, तो हो गया 38 बटे 2, 2 गुणे ए का मान 17 प्लस 38 माइनस ए और डी का मान 9। इसको काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 9 18, तो हो गया 19, और इसका 17 दुनी 34 प्लस 38 में 1 गया 37 गुणे 9, तो हो गया 34 प्लस 37 में 9 गुणा कर लेंगे, 7 9 63, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31 32 33, तो 333। अब इनको जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 4 3 7 3 3 6 और 3, तो हो गया 9, 19 में इतना गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार पदों की संख्या आ गया, पदों की संख्या बराबर 38 और पदों का योग कितना आया, पदों का योग बराबर 6973। तो प्रश्न नंबर 6 हो गया, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, तो 7 में लिखा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब यस 22 ज्ञात करना है हमको, ठीक ना। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके डी बराबर 7 दिया हुआ है, और 22वां पद मतलब ए 22 बराबर 149 दिया हुआ है, ठीक ना। 22वां पद 149 दिया हुआ है मतलब ए 22, तो इसमें सूत्र लिख लेते हैं क्या होता है। देखिए ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 149, ठीक ना। एनवा पद का सूत्र लिखा है, इसमें ए का मान कितना है ज्ञात करना है और n का मान 22 माइनस 1 और d का मान 7 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इससे a का मान ज्ञात हो जाएगा, a प्लस 22 में 1 गया 21 गुणे 7 बराबर 149, a प्लस 7 एक कम 7, 7 दुनी 14, तो हो गया a बराबर 149 माइनस 147, तो हो गया 2 ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो ए हो गया, डी ज्ञात है और ए ज्ञात हो गया, तो इसमें हम 22वां पद, तो यस एन प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसमें हमको 22 लिखना है, तो एन का मान 22 बराबर 22 बटे 2, 2 गुणे ए का मान कितना है 2 प्लस 22 माइनस 1 और d कितना है
दो एक कम तो ये हो गया 11, दो दूनी 4, 22 में एक क्या 21 गुणे 7 11, ये हो गया 4 प्लस 7 जोड़ेंगे, 7 का गुणा कर देंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, अब इसको जोड़ देंगे 7 4 11, 4 1 5 और 1, अब इसमें 1 का 11 गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 1 6 फिर 6 और 1, तीन, इस प्रकार प्रथम 22 पदों का ये योग ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, लिखा है प्रश्न नंबर 8 में उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो प्रश्न नंबर 8 है ये यस 51 ज्ञात करना है, ठीक ना, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दे रखे हैं, तो A2 बराबर कितना है 14, दूसरे और तीसरा पद कितना दिया है 18, ठीक ना, तो ज्ञात करते हैं इसको। देखिए An का फॉर्मूला क्या होता है, An बराबर A प्लस N माइनस 1 D, तो हम पहले 2 वाला रखेंगे तो A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 D, A2 का मान कितना है 14 बराबर A प्लस 2 में से गया 1 तो ये D, तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार A3 के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे A3 प्लस A प्लस 3 माइनस 1 D, तो हो गया A3 का मान भी रख लेते हैं यहीं पर, A3 कितना है 18 और ये हो गया A प्लस 2D, समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाते हैं, देखिए इसको लिख लेते हैं A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2 है ये, और पहला समीकरण A प्लस D बराबर 14, ये पहला समीकरण, विलोपन विधि हल कर रहे हैं इसमें, तो घटाने पर है तो लिखते हैं घटाने पर, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक ना, तो ये कैंसिल और 2D में से 1D गया तो D बराबर 18 में 14 गया तो 4, तो D बराबर 4 आया, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का समीकरण ये रहा, लिखेंगे A प्लस D है तो D के स्थान पर 4 रख देते हैं बराबर 14, तो A बराबर 14 माइनस 4 तो हो गया 10, A का मान आ गया, D का मान आ गया, तो यस 51 पद लिखते हैं, तो लिखते हैं प्रथम n पदों का योग लिख लेते हैं पहले, यस n बराबर n बटे 2 2A प्लस n माइनस 1 D, तो यस n यस 51 बराबर 51 बटे 2 2 गुणे A का मान 10 51 माइनस 1 और D का मान 4, तो ये हो गया 51 बटे 2 और 10 दुनी 20 प्लस 50 गुणे 4, है ना, 51 में गया तो 50, ये हो गया 51 बटे 2 और 20 प्लस 50 चौके 200, 51 बटे 2 और 200 में 20 जुड़ेंगे तो 220 हो गया, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये 0, ठीक ना, अब 11 गुणा कर लेंगे 110 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 6 और 5, इस प्रकार प्रथम 51 पदों का योगफल 56:10 प्राप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, है ना, यस 7 बराबर 49 दिया है, और प्रथम 17 पदों का पद,
योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है 289, ठीक ना। तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो देखिए ये दिया है, इसमें सूत्र लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे n बटे दो 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 49, ठीक ना। तो इसमें कुछ दिया नहीं है किसी का मान, तो बस इसको हल कर लेते हैं। तो ये लिखते हैं 7/2, ठीक ना, प्रथम 7 पदों का योग दिया है, 2a प्लस 7 माइनस 1d बराबर 49। तो हो गया ये 7/2, ये हो गया 2a प्लस 7 में गया 6d बराबर 49। इसमें देखिए दो दो उभयनिष्ठ है, बाहर निकल जाएगा, तो लिखते हैं 7/2 × 2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3d बराबर 49। तो एक 2 2 कट गया, 7 को नीचे पक्षांतर कर देंगे 49 के, तो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49/7, तो जगह 7 × 7 = 49, ये हो गया ए प्लस 3d बराबर 49, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार यश 17 पे भी यही फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो लिखेंगे n बटे दो 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 289। n कितना है 17, तो लिखेंगे 17/2 2a प्लस, ये हो गया 17 − 1d बराबर 289। तो लिखेंगे 17/2, ये हो गया 2a प्लस 17 में 1 गया 16d बराबर 289। इसमें दो दो कॉमन है, दो बाहर निकालेंगे, तो जाएगा 17/2 × 2, तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d है ना, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, तो 289। ये 2 2 कट गया और 17 को नीचे पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो गया a प्लस 8d बराबर 289/17। ये 17 का 17 बार में कट जाएगा, 17 × 17 = 17, ठीक ना। तो ये हो गया a प्लस 8d बराबर 17। तो ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, तो इसमें a और d का मान ज्ञात हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 में से घटा रहे हैं तो ए 2 वाला पहले ऊपर लिख लेते हैं, a प्लस 8d बराबर 17, और पहला समीकरण है a प्लस 3d बराबर 49, ये समीकरण 1 हो गया। तो घटाना है तो घटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, 8 में से 3 गया 5d बराबर, अब 49 17 में 49 घटेगा तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आ गया, और घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक ना। तो 17 − 49 32, अब d बराबर −32/5, तो ये सार्वंतर ज्ञात हुआ, ये आ गया, ठीक ना, 7 × 7, यहाँ 7 लिखना था, ठीक ना, तो ये 7 हो गया, तो यहाँ गलती हो गया, यहाँ ये 7 लिखाएगा, ठीक ना, ये 7 हो गया। तो इस प्रकार 17 में 7 गया तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 हो गया, तो 5 × 10, ये 10, तो ये 5 × 5 = 10, तो d बराबर ये 2 प्राप्त हुआ, ठीक ना, यही पता चल गया गलती, तो आगे गलत नहीं हुआ। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक ना। तो d का मान 1 रख देंगे यहाँ पर, समीकरण ये रहा 1,
तो लिखेंगे a प्लस थ्री डी बराबर सात, तो लिखेंगे a प्लस तीन गुणे दो, डी का मान दो रख दे रहे हैं तो हो गया a प्लस तीन दूनी छः बराबर सात, तो a का मान कितना जाएगा, a का मान एक आ गया, ठीक ना। तो a का मान एक और d का मान दो। अब हमको n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमको n पदों का योग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो लिखेंगे n बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक ना। इसमें हमको a और d का मान प्राप्त है तो हम यहाँ रख देंगे, तो लिखते हैं n बटे दो, ये दो और a का मान कितना है एक, तो यहाँ एक रख देते हैं, प्लस n माइनस वन और d का मान दो है। अब इसको हल कर लेते हैं, n बटे दो, दो एक कम दो प्लस इसका कोष्टक में गुणा कर देंगे तो जगह टू एन माइनस टू। देखिए दो में से दो गया कट गया तो आया n बटे दो और गुणे टू एन बचा, तो ये कट गया, दो दो भी कट गया तो ये बचा n स्क्वायर, तो एस एन बराबर n स्क्वायर, ये प्रश्न का उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 10 का पहला भाग देखते हैं। ए एन बराबर तीन प्लस चार एन, ये दिया हुआ है और लिख देखिए क्या प्रश्न है, दर्शाइए कि ए वन ए टू, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ, ए वन ए टू और ए एन, ये दिया है, से एक ए पी बनती है, ठीक ना। और यदि ए एन दिया हुआ है तो परिभाषित है, तो पहला भाग देखते हैं इसमें। तो देखिए पहले ए वन निकालेंगे, फिर ए टू, फिर ए थ्री। देखिए a1 बराबर, इसका मतलब n का मान एक रखे हैं तो सब जो हैं एक रख लेते हैं, तो तीन प्लस चार गुणे एक बराबर तीन प्लस चार बराबर ये सात हो गया। फिर a2 ज्ञात करते हैं, तो a2 जहाँ जहाँ n है वहाँ टू रख देंगे, थ्री प्लस फोर इंटू टू ये हो गया चार दूनी आठ, आठ तीन ग्यारह। फिर a3 बराबर तीन प्लस चार गुणे तीन बराबर तीन प्लस चार तीन बारह, बारह तीन पंद्रह। तो देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, ए वन ए टू और ए थ्री प्राप्त कर लिए, हम इसमें सार्वान्तर ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो देखिए ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन ग्यारह माइनस सत्रह, तो ये कितना आएगा चार। फिर ए थ्री माइनस ए वन, ए टू पंद्रह माइनस ग्यारह, तो इसको हटाएंगे तो आएगा चार। देखिए सार्वान्तर सभी में सभी बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वान्तर समान है अतः ए वन ए टू ए थ्री जैसे लिखा है सात ग्यारह पंद्रह एक ए पी है, एक ए पी है। तो प्रश्न में पहला हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा भाग देखते हैं इसका, इसमें लिखा है ए एन बराबर नौ माइनस पाँच एन, इसमें भी एन का मान रख लेंगे, तो पहले ए वन ज्ञात करते हैं, तो एन का मान एक रखेंगे तो नौ माइनस पाँच गुणे एक, तो हो गया नौ माइनस पाँच बराबर चार। फिर a2 बराबर 9 माइनस पाँच गुणे दो, तो ये हो गया पाँच दूनी दस, तो 9 में 10 गया माइनस एक। फिर a3 ज्ञात कर लेते हैं, 9 माइनस पाँच गुणे तीन, तो ये हो गया पाँच तिहाई पंद्रह, घटाएंगे तो ये 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसमें देख लेते हैं सार्वान्तर क्या समान आ रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर ए टू माइनस ए वन, तो लिखेंगे माइनस वन माइनस चार बराबर माइनस पाँच। फिर ए थ्री माइनस ए टू ज्ञात कर लेते हैं, देखिए माइनस सिक्स माइनस ये माइनस वन है, तो इसको हल करेंगे माइनस छः प्लस वन, दो माइनस मिलके प्लस वन, तो माइनस सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस फाइव। देखिए सार्वान्तर मतलब सेम आ रहा है, ये सार्वान्तर ज्ञात हो रहा है, ठीक ना। तो चूंकि सार्वान्तर समान है
समान है, अतः क्या बना है, चार माइनस एक और माइनस छः एक एपी है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 हो गया।